क्लासिक्स सब्जेक्ट मैथ्स अभ्यास 3D के हैं। इसमें संख्याओं का गुणा करना है तो इसके दो नियम होते हैं, जैसे समान चिन्हों का गुणा प्लस और विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होता है। दूसरा दिया गया नियम, किसी संख्या में शून्य का गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है, जैसे 2×0=0। इसके बाद इसके सम शुरू होते हैं। दूसरे का कार्य दिया गया है 8×-4×-5। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। -×-, ये प्लस हो जाता है। इसके बाद इनका क्रम से संख्याओं का गुणा कर लेते हैं तो 8×4=32 हुआ, +5। इस प्रकार से इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 160 हो जाता है। इसी प्रकार खा वाला दिया गया है, -10×-10×-10। तो इसमें हम देखते हैं सम और विषम संख्याओं के चिन्हों का गुणा। अगर सम संख्याओं का चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस होता है, विपरीत चिन्हों के गुणा होता है तो माइनस होता है। इसमें देखिए -, -का गुणा किया और ये माइनस है, तो ये विषम संख्याओं के चिन्हों का गुणा है तो ये माइनस हो जाता है, -100×10। तो ये तुम्हारा जो है -1000, ये इसका गुणनफल हो जाता है। तीसरे का खा दिया गया है, मान ज्ञात करें। इसमें ये दिया गया है 1456×625-456×625। इसमें हमें ये देखना है कि दिए गए व्यंजक में दो पद दिए गए हैं, इन दोनों पदों में कौन सी संख्या कॉमन या उभयनिष्ठ है। तो हम देखते हैं कि दोनों में 625 दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन है, तो इसमें 625 को हम बाहर निकाल लेते हैं, शेष संख्याओं को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ब्रैकेट में बचता है 1456-456। इसके बाद पुनः लिखते हैं 625 गुणे, इनको माइनस कर देते हैं तो ये 1000 आता है। इसके बाद इनका आपस में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 625000, ये इसका गुणनफल हो जाता है। इसी प्रकार गा दिया गया है -187×-54+-187×-46। इसमें भी देखते हैं कि दिए गए व्यंजक में या समीकरण में दो पद दिए गए हैं, इन दोनों पदों में -187 कॉमन है, शेष -54, -46 शेष बचता है, उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसके बाद -187 गुणे, इनको माइनस का चिन्ह लगता है और ये जुड़ जाते हैं तो ये -100 हो जाता है। इसके बाद इसके चिन्हों का गुणा किया, -, -, प्लस हुआ और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 18700, इसका गुणनफल होता है। शेष ये घा या चा, इन तीन समों को ये स्वयं करना है, ये करेंगे। अगर नहीं आते हैं तो इनको कल जो है पुनः देखेंगे। 187×-46। इसमें भी देखते हैं कि दिए गए व्यंजक में या समीकरण में दो पद दिए गए हैं, इन दोनों पदों में -187 कॉमन है, शेष -54, -46 शेष बचता है, उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसके बाद -187 गुणे, इनको -, -, -, का चिन्ह लगता है और ये जुड़ जाते हैं तो ये -100 हो जाता है। इसके बाद इसके चिन्हों का गुणा किया, -, -, प्लस हुआ और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 18700, इसका गुणनफल होता है। शेष ये घा या चा, इन तीन समों को ये स्वयं करना है, ये करेंगे। अगर नहीं आते हैं तो इनको कल जो है पुनः देखेंगे। 100